वो जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाता हूं। मेरी मां ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे। बहुत बड़े बड़े शुआरा बैठे हैं, बहुत सजा हुआ स्टेज है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं, बड़े भाई नवाज देवबंदी साहब हैं, हमारे भाई विजय तिवारी साहब हैं, एजाज पॉपुलर साहब हैं, भाई हाशिम फिरोजाबादी, किस किस का नाम गिनाऊं। बहुत आला दर्जे की फेरिस्त प्रशासन ने, यूं समझ लें कि बहुत सजा हुआ गुलदस्ता सजाया है। मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे। वाह वाह, पढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। वाह वाह, मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे। पढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। क्या कहना, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूँ। आप कैसे सुनते हैं, आपका पार्ट है। और पहले ही भाई नदीम फर्रुख साहब ने कह दिया कि तालियों का इंतजार न करें, शेर पढ़ते रहें। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे। पढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। मेरे पापा ने इसी उम्मीद पर पाला। मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा, मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। बकरी भाई बाबा, मेरे पापा ने इसी उम्मीद पर पाला मुझे। वाह, आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा। आईना होकर भी आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, यह आपका पार्ट है। आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा, हुई तो होता यहाँ पहचानने वाला। आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा, कोई तो होता यहाँ पहचानने वाला मुझे। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। कितने लोग शामिल है, आवाज आ रही है सबको। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। फिर पढ़ता हूँ मित्रा, गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। तुमने पत्थर मार कर लश्कर बना डाला मुझे। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। गौर से देखो तो मैं था। बहुत से बहुत शुक्रिया खुर्शीद हैदर साहब, मेरे बड़े भाई हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी शायरी आप तक पहुंचाता हूँ। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। तुमने पत्थर मारकर लश्कर बना डाला मुझे। दो मतले और दो तीन शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैंने लगभग अपना वक्त मुकम्मल कर लिया और हो जाएगा। मतला गुजारिश करता हूँ, अजीब कैफियत का मतला कितने लोगों के दिलों तक पहुँचता है। एक बार ताली बजा के मुझे बताइएगा मतला। मतला सुनने के बाद बजाइएगा ताली। एडवांस पेमेंट नहीं चाहता बकरी बेटे। मेरा तो पेपर था खुर्शीद भाई, आपका पसंदीदा भाई। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो चेयरपर्सन साहिबा, ये मतलब आपकी नजर करता हूँ। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। इसके अंदर अपने हिंदी भाषी जो मेरे अधिकारी गण बैठे हैं, मैं उनसे बता दूं, एक वर्ड रखा है शब्बेदारी। शब्बेदारी कहते हैं रात्रि जागरण को, रात का जागना। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। वाह, मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हिफाजत कर ली आपने मतले की, बहुत शुक्रगुजार। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। हर किस को शिस्वत करना ऐसे लोगों से यारी की। हर किस कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे वो कर बात करें फुलवारी। हर किस कोशिश मत करना जो आंगन में कांटे वो कर बात करें फुलवारी। अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूँ, इस शेर को मिला के तीन शेर और आपसे इजाजत। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने शायरी की हिफाजत की, बहुत हौसला दिया। हर किस कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करे फुलवारी की। उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टांके, उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टांके। दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। उसने दामन पर बदनामी के धब्बे टांके, दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। बच्चे को
गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, जाने इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। रावण ने अपने आखिरी लम्हों में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के कान में एक बात कही थी। फखरी मेहटी ने उस कही हुई बात को शेर बनाया है। कितना कामयाब है, पढ़ता हूँ शेर। बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, था कोई अफसोस तो ये था, भाई ने गद्दारी की। वाह 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 वाह।